नमस्ते, मैं डॉक्टर इंदु बाना, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मैत्री न्यूरोलॉजी क्लिनिक एवं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सियाटिका। तो आइए आज हम जानते हैं सियाटिका के बारे में। सियाटिका एक बहुत आम टर्मिनोलॉजी या आम शब्द है जो कि लोग कमर दर्द और पैरों में होने वाले दर्द के लिए यूज़ करते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है जिसके बहुत सारे कारण होते हैं और उन कारणों के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं सियाटिका क्या होता है, किन कारणों की वजह से होता है, यदि आपको ये सारे लक्षण होते हैं तो आपको किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका इलाज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सियाटिका होता क्या है। बेसिकली हमारे शरीर में एक नस होती है जिसका नाम है सियाटिक नर्व या सियाटिक नस। ये दोनों साइड होती है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इसकी जो बनावट होती है, हमारे कमर के निचले हिस्सों में जो मणके होते हैं वहाँ से जो नसें निकलती है, L4, 5, S1, 2, 3, इन नसों के जुड़ने से एक बड़ी नस बनती है जिसे सियाटिक नर्व बोलते हैं। और ये सियाटिक नर्व हमारे कूल्हे से होते हुए और हमारी जांघा से होते हुए पैरों में जाके सप्लाई करती है। तो या तो सियाटिक नर्व को कहीं दबाव हो रहा है या फिर इसकी बनावट में जो छोटी छोटी नसें आ रही है उन पे यदि कहीं दबाव हो रहा है तो उस दबाव को हम एक सामान्य भाषा में सियाटिका बोलते हैं। तो सियाटिका के कारण जानने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जानना चाहेंगे अपने रीढ़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डियों का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये गर्दन के हिस्से का है, ये पीठ के बीच के हिस्से का और ये नीचे के कमर के हिस्से का है। इनको मणके बोलते हैं और ये मणकों के बीच में गादी होती है। मणकों के बीच की जो गादी होती है उसका काम होता है कुशन के तरीके का काम करती है। वो जब भी उस पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, शॉक आता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, ये गादी में घिसाव रिसाव आता है और काफ़ी बार गादी खिसक जाती है। तो काफ़ी बार कुछ लोगों को कमर में दर्द होती है, वो अपना MRI करवाते हैं और उसके डायग्नोसिस में नीचे लिखा होता है L4-5, L5-S1 डिस्क प्रोलेप्स। तो हम जानते हैं ये क्या होता है। L4-5 ये लंबर रीजन की, लंबर मतलब ये कमर के हमारे नीचे का हिस्सा, इसे हम लंबर रीजन बोलते हैं। इन हिस्सों की जो मणके रहते हैं उनका नंबर दिया जाता है। तो चौथी और पाँचवीं जो मणके होते हैं उनके बीच की गादी जब खिसकती है तो इसे L4-5 डिस्क प्रोलेप्स बोलते हैं। या पांचवी और S1 के बीच की गादी खिसकती है तो इसे L5-S1 डिस्क प्रोलेप्स बोलते हैं। जब भी ये गादी खिसकती है तो यहाँ ये पीछे के हिस्से में आके नसों पे दबाव करती है और इसकी वजह से दर्द होता है। तो ये हुआ एक कारण सियाटिका का, यानी कि डिस्क प्रोलेप्स। अन्य कारणों में आता है कनाल स्टिनोसिस या लंबर कनाल स्टिनोसिस। इसी हिस्से के लंबर कनाल में इस गादी के खिसकने की वजह से या बहुत सी बार पीछे जो हमारे मांसपेशियां होती है जिसे हम लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम, इन सब की जब सूजन आती है, इनके साइज जब बढ़ जाती है, हाइपरट्रॉफी होती है, या फिर बहुत सी बार ये मणके हैं, मणकों में घिसाव रिसाव आता है, तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ भी हमारी नसें निकलती है उसका जो डायामीटर है वो छोटा हो जाता है और वह नसों पर दबाव करने लग जाता है। इसे हम बोलते हैं कनाल स्टिनोसिस। ये भी एक आम कारण है सियाटिका का। तीसरे कारण में आता है डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज या स्पोंडाइलोसिस। ये नाम भी आपने काफ़ी आम सुना होगा कि हमें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस है, या कमर में दर्द है, लंबर स्पोंडाइलोसिस है। तो हम समझते हैं स्पोंडाइलोसिस होता क्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों में घिसाव रिसाव आता है। जैसे कोई पुरानी साइकिल होती है, नई होती है तब वो ब्रांड न्यू होती है, बहुत आराम से चलती है, पर जैसे जैसे टाइम जाता है तब उसके कुछ हिस्सों में घिसाव रिसाव आने लग जाता है। तब हमें उसमें ऑयलिंग करनी पड़ती है, कुछ मरम्मत करवानी पड़ती है ना, तब वो ठीक से चलती है। पर हमारी जो ये स्पाइन है इसमें जब घिसाव रिसाव आता है तब हम इसकी ऑयलिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये घिसाव रिसाव की वजह से क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे हड्डियों के खुरदरेपन आ जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। और ये हड्डियाँ जब खुरदरी हो जाती है तो यहाँ से जो भी नसें निकलती है उस पर दबाव करने लग जाती है। बहुत सी बार यहाँ पीछे पे जो
आर्थ्रोपैथी हो जाती है, जो फैसेट जॉइंट होता है, मतलब ये दो वर्टिब्री, दो मणकों के बीच में जो जॉइंट होता है, उसमें भी बहुत सी बार आर्थ्रोपैथी या फिर एक तरह का सूजन हो जाता है, घिसाव आ जाता है, जिसकी वजह से भी नसों पे दर्द होता है। तो तीसरा आम कारण है स्पॉन्डाइलोसिस। इसके अलावा बहुत सी बार गिरने से, चोट लगने से या अधिक मोटापे से, और बहुत सी बार प्रेगनेंसी में भी ये सियाटिका का दर्द पाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं सियाटिका में क्या क्या लक्षण पाते हैं। सियाटिका में जनरली जो मरीजों को तकलीफ होती है, एक तो कमर में दर्द होता है, दूसरा पैरों में या कूल्हे में दर्द होता है। बहुत सी बार ये दर्द पैरों के थाइस के रास्ते होते हुए नीचे घुटने से नीचे तक जाता है और एड़ी तक जाता है। ये दर्द है लेटने से आराम होता है और अधिक समय बैठने पर इस दर्द में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बहुत सी बार मरीज आगे झुक के यदि कोई वजन उठा ले या कुछ एक एबनॉर्मल पोस्चर ले ले, तब ये दर्द बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा आप बहुत सी बार मरीज डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तब डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं जिसे SLRT बोलते हैं, जिसमें पैर को सीधा करके ऊपर की तरफ उठाया जाता है, उस कंडीशन में भी बहुत अधिक दर्द होता है। सियाटिक नर्व पैरों में जिन जिन हिस्सों में सप्लाई करती है, उन हिस्सों में झंझनाहट या चुभन या फिर सुन्नपन भी लग सकता है, और रेयर केस में जब यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तब पैरों में कमजोरी आ सकती है, जैसे कि चप्पल का छूटना या पेशाब करने में भी दिक्कत आ सकती है, हालांकि ये बहुत रेयर होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जब भी आपको कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी शिकायत हो, तो आपको किन डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए। आज हमारे आसपास इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, इतनी सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है कि मरीज खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किन डॉक्टर को दिखाए। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये बीमारी में जो हमारी रीढ़ के मणके है एवं वहाँ से जो नसें निकलती है उसकी तकलीफ़ है, और ये जो तकलीफ़ होती है नसों के दबाव की वजह से होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट जो प्राइमरी करवानी चाहिए आपको, एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके करवानी चाहिए। इसका डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि 80-90% मरीज जिनको सियाटिका की तकलीफ होती है वो केवल दवाइयाँ एवं कुछ कसरतों से ही ठीक हो जाते हैं। केवल 10% या उससे भी कम मरीजों में सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। सियाटिका में जैसे मैंने समझाया आपको, इन नसों पे दबाव हो रहा है और नसों पे दबाव होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें पैरों में दर्द जा रहा है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम दो तरह से करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म यानी कम समय की ट्रीटमेंट होती है और एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में भी हम दो तरह की ट्रीटमेंट करेंगे, एक है जो केवल दर्द की दवाइयाँ देती है जिससे दर्द कंट्रोल होता है, जो कि हम 2-3 सप्ताह देते हैं, उसके बाद नहीं लेते हैं, और दूसरी जो दवाइयाँ होती है वो नसों के दर्द की दवाई होती है, जो हम कम डोज से शुरू करते हैं और धीरे धीरे मरीज के दर्द में जिस तरह से राहत मिलती है उस हिसाब से उसका डोज बढ़ाया जाता है। नसों के दर्द की दवाइयाँ थोड़ा लंबे समय चलती है, तकरीबन 5-6 महीने और या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट। इस तरह से हम दवाइयाँ देते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में यदि हम जाए तो लॉन्ग टर्म और परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है कुछ कसरतें, जो कि आप जब आपका दर्द में आपको आराम हो जाता है तब ये कसरतें आपको सिखाई जाती है। ये कसरत आपको रेगुलरली करनी होती है। इन कसरतों से आपकी जो रीढ़ की जो हड्डियाँ है उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है, और इससे आपको ये तकलीफ़ फिर से दोबारा नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको कुछ कुछ चीज़ों का एहतियात और ध्यान रखना होता है, जैसे कि जिन भी मरीजों को कमर दर्द की शिकायत होती है उनको आगे झुक के कोई वजन नहीं उठाना होता है, उकड़ होके लंबा समय नहीं बैठना होता है, हो सके वहाँ तक वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए इंडियन टॉयलेट की जगह, एवं ज़्यादा समय बैठना नहीं होता है। इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो करीब करीब मान के चलिए कि 90% मरीज दवाई एवं कसरत से ही कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं और एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको बहुत काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स भी दूर हुए होंगे। नमस्ते।